अनपढ़ से ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग गुलाम होते हैं, हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वही गुलाम। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर कहा शिक्षित करो या शिक्षित बनो, तो वो शिक्षा नहीं थी जो यहाँ की ब्राह्मणी समाज में हमें शिक्षा देती है, वो शिक्षा थी चेतना फैलाने वाली शिक्षा, वो शिक्षा थी जागरूकता फैलाने वाली शिक्षा। बाबा साहब के बाद जितने हमारे बहुजन महापुरुष हुए, मैं मानता हूं किसी की कोई जाति नहीं थी, किसी का कोई धर्म नहीं था, वो सब एक ही बात करते थे, हम सब ने अपने अपने जातियों के महापुरुष भी अलग कर लिए। दिलचस्प ये है, चाहे जगदेव प्रसाद हो, रामस्वरूप वर्मा हो, फिर यार ललई साहब हो, ये सब बाबा साहब को भी मानते हैं, गौतम बुद्ध को भी मानते हैं, लेकिन इनके समुदाय के लोग हैं, इनके जाति के लोग हैं, वो न बाबा साहब को मानना चाहते हैं न गौतम बुद्ध को मानना चाहते हैं, लेकिन वो मानते हुए। और ये शर्म की बात है यार, इतना सारा 22 वॉल्यूम बाबा साहब अम्बेडकर लिख गए, 3 से 4 किताबें पढ़ जाओ, पेरियार साहब की पतली सी किताब है सच्ची रामायण उसी को पढ़ जाओ, फुले साहब की किताब है गुलामगिरी उसको पढ़ जाओ, बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोग मोटा मोटा रामचरित मानस पढ़ लेते हैं, लोग गीता पढ़ लेते हैं, लोग जो है पुराणों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पतली हमारी किताबों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसलिए सबके सामने पर्दा लगा हुआ है बहुत मोटा सा और काला सा पर्दा। अली अनवर साहब ने जब अपना आंदोलन शुरू किया था, जब JNU में पहली बार आए थे, और यहाँ कहने लगी वो तो श्रुति नहीं होगी, पहली बार मेरे ही रूम में आए थे 162 कावेरी में, जब वहाँ का छात्र था, उस समय वहाँ के पसमानदा जो छात्र थे वो पसमानदा के बारे में नहीं जानते थे, हमने इनकी किताब मंगाई 100 कॉपी और उसको बेचा, वहाँ पर फिर पसमानदा आंदोलन शुरू हुआ।